डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, जब भारत पाकिस्तान रिश्तों की बात आती है तो अतीत वर्तमान बन जाता है और भविष्य में सीखने के लिए कुछ अप्रिय सबक छोड़ जाता है। पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है, इसने क्षेत्रीय जीत हासिल करने की कोशिश की है, हालांकि हर बार यह विफल रहा है। 25 वर्ष पहले ठीक आज ही के दिन कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने पहले घुसपैठियों को भेजा, फिर सैन्य हमले को अंजाम दिया, क्योंकि भारत ऐसे हमले के प्रति लापरवाह था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा 21 फरवरी 1999 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के 3 महीने के भीतर ही कारगिल की घटना हुई। भारत की घुसपैठियों के बारे में अचानक पता लगा। चरवाहा जब अपनी गुम हुई भेड़ों को खोज रहा था तो उसने पठानी सूट में पाकिस्तानियों को देखा, जो पर्वत श्रृंखला पर बंकर खोद रहे थे। 90 डिग्री की खड़ी चट्टान पर चढ़ाई करने वाले युवा सैन्य अधिकारियों और जवानों ने बहादुरी से पाकिस्तानी गोलियों का सामना किया और अपने भारतीय नेतृत्व को गर्व करने का अवसर प्रदान किया। इस युद्ध में ज़्यादातर 22-35 वर्ष के युवा जवान शहीद हुए। आधिकारिक रूप से भारत के 527 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 357 से 453 के बीच जवान मारे गए। पाकिस्तान ने अपने 600 अन्य जवानों की लाशों पर दावा न करके उन्हें अपमानित किया। नतीजतन भारत को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। वस्तुतः यह भारत के लिए कठिन कार्य किया था। पाकिस्तानियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करते हुए भारत ने अपनी वायुसेना और बोफोर्स तोप को तैनात कर अपनी रक्षा की। उसी साल एक भारतीय यात्री विमान का अपहरण हुआ, जिसे पहले लाहौर फिर कांधार ले जाया गया। भारत को विमान चालक दल और यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के लिए 4 कश्मीरी आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। 25 वर्ष बाद भी इन विफलताओं पर भारत में बहुत कम चर्चा हुई है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और एवं विश्लेषक सेठी कहते हैं, भारत के साथ पाकिस्तान ने जितने भी युद्ध किए सभी में हार गया। हालांकि उसी ने इसकी योजना बनाई थी पर कुछ हासिल ना कर सका। पहली सर्दियों में कारगिल क्षेत्र की ऊंचाइयों वाली चौकियों को दोनों देशों के सैनिक खाली कर देते थे और फिर बसंत के मौसम में वहां तैनात हो जाते थे। 1999 की सदी में पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना से पहले ही कारगिल बाल्टिक की सामरिक ऊंचाइयों पर स्थित अग्रिम चौकियों पर आतंकियों के सहयोग से कब्जा कर लिया। हालांकि उसने देश भारतीय इलाके पर कब्जे के लिए नहीं, बल्कि भारत पर सामरिक बढ़त पाने के लिए किया था। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।